मम्मी हॉरर स्टोरी पार्ट 3 देखने से पहले इसके बाकी पार्ट जरूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे बुल्ली ने मम्मी को स्मैक लगाकर शॉन को मम्मी से छुड़ा लिया था, जिसके बाद मम्मी भड़क गई और जमीन के नीचे से अपने 4 और मुस्तंडे निकाल दिए। ये देखकर गुल्ली बुल्ली शॉन को लेकर वापस अपने घर आ गई और शॉन को घर के अंदर भेजकर गाड़ी के पीछे छुपकर घर के बाहर ही बैठ गई। और थोड़ी देर में ही चारों मम्मी शॉन तक पहुंच जाती हैं और शॉन की बारात लेकर जाने लगती हैं। अब आगे मम्मी शॉन का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही और ये देखकर बुल्ली का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि गुल्ली बुल्ली ने शॉन को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन इनकी हर कोशिश नाकाम रही। और फिर बुल्ली गुल्ली से कहता है, गुल्ली सीधे अंदर जाकर दादाजी की पुरानी तलवार लेकर आओ, अब मैं इस मुसीबत की जड़ ही खत्म कर दूंगा। तभी हैरान होकर गुल्ली ने कहा, बुल्ली क्या तुम शॉन को मारने की बात कर रहे हो? बुल्ली कहता है, अरे गुल्ली पागल हो गए हो क्या? मैं शॉन को नहीं मम्मी को मारने की बात कर रहा हूँ, अब जल्दी जाओ और तलवार लेकर आओ इससे पहले कि मेरा उबलता हुआ खून ठंडा हो जाए। और फिर गुल्ली तुरंत घर के अंदर जाता है और इधर उधर दादाजी की तलवार को देखने लगता है। आखिरी बार गुल्ली ने उस तलवार को पीछे वाले कमरे की दीवार पर टांगा था ताकि वक्त आने पर तलवार आसानी से मिल सके, लेकिन अब जब गुल्ली तलवार लेने आया है तो तलवार यहाँ से गायब है। जरूर ये काम बुल्ली का होगा। गुल्ली बुल्ली के पास वापस गया और कहने लगा कि बुल्ली तलवार को कहाँ छुपा दिया है, मैंने उस दीवार से उतारने के लिए मना किया था। बुल्ली कहता है, गुल्ली याद आया, मैंने उस तलवार को पूरी सेफ्टी के साथ एक बक्से के अंदर रख दिया था और वो बक्सा मेरे बेड के नीचे होगा और उस बक्से की चाबी मेरे गद्दे के नीचे है, लेकिन बक्से के अंदर एक और बॉक्स है जिसकी चाबी तो पिछले महीने ही खो गई थी, इसीलिए तुम ये अद्धा उठाओ और ताला तोड़कर जल्दी से तलवार लेकर आओ। म्यूजिक। गुल्ली को बुल्ली की इस बात पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर फिलहाल मामला बहुत गंभीर है, इसीलिए गुल्ली ने अद्धा उठाया और ताला तोड़ने के लिए चल दिया। और फिर गुल्ली ने सारी मशक्कत के बाद तलवार को बाहर निकाल लिया और तलवार लेकर बुल्ली के पास चल दिया। बुल्ली के हाथ में तलवार के आ गई। बुल्ली ने तो सारा खेल ही खत्म कर दिया और बुल्ली पीछे मुड़कर गुल्ली और शॉन से कहता है, देखो हमें बस इतना ही करना था, तुम लोग तो बेकार ही डर रहे थे और पता नहीं क्यों अभी भी डरे जा रहे हो, जबकि मैंने मम्मी को मार दिया है। तभी गुल्ली और शॉन चिल्लाते हुए बुल्ली से कहते हैं, अरे बुल्ली पीछे मुड़कर देखो, वो मम्मी अभी भी जिंदा है। अरे ये क्या, ये तो रॉड है। रॉड जैसे ही गुल्ली बुल्ली और शॉन को देखता है तो पास आकर कहता है, अरे गुल्ली बुल्ली मेरी गाड़ी के नीचे क्यों आ रहे हो, आना है तो मेरी हवेली पर आओ।
बुल्ली कहता है हाँ हाँ रॉड जरूर आएंगे, अगर आज हम सब यहाँ से जिंदा बच गए तो कल का खाना तुम्हारी हवेली पर ही होगा। पहले सामने देखो कौन सी मुसीबत आ रही है। रॉड कहता है अरे ये कौन है, देखने में तो डरावना है लेकिन ज्यादा ताकतवर नहीं लगता, हटो जरा मैं देखता हूँ। अरे ये गुल्ली कहाँ चल दिया बिना किसी को बताए, अचानक रॉड की वैन लेकर गुल्ली कहाँ जा रहा है। दरअसल ये बात तो गुल्ली ने मुझे भी नहीं बताई, चलो फिर ये बात गुल्ली से ही पूछ लेते हैं। दोस्तों मैं जा रहा हूँ बाबा को बुलाने, क्योंकि मुझे मालूम है कि रॉड भी उस मम्मी को नहीं रोक पाएगा, और वैसे भी आप तो ये जानते ही हैं कि वो मम्मी मर नहीं सकती, इसीलिए मुझे जल्दी से बाबा को लेकर आना होगा। अब बाबा ही हमें इस मुसीबत से बचा सकती हैं। इधर रॉड मम्मी की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक रॉड ने कुछ ऐसा किया। अरे बुल्ली वो कौन है, रॉड की इस हरकत से जैसे ही मम्मी का ध्यान उस तरफ किया तो फौरन रॉड ने मम्मी को फ्रीज कर दिया। रॉड ने तो मम्मी के साथ अलग ही खेल खेल दिया, मम्मी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि रॉड कुछ ऐसा भी कर सकता है। मम्मी को फ्रीज करने के बाद रॉड पीछे मुड़कर बुल्ली और शॉन की तरफ देखने लगता है, और तभी अरे ये क्या, मम्मी ने रॉड के साथ ये क्या कर दिया। लगता है रॉड अब मम्मी के काबू में आ चुका है। और फिर मम्मी रॉड को बुल्ली के पीछे लगा देती है ताकि बुल्ली मम्मी के काम में टांग ना अड़ा सके। बेचारा बुल्ली अब अकेला पड़ चुका है, रॉड जो कि दोस्त बनकर आया था अब वो ही दुश्मन बन चुका है। इधर शॉन मम्मी के हाथों पकड़ा जाता है और मम्मी शॉन को लेकर पोर्टल की तरफ जाने लगती है। इतनी कोशिशों के बाद भी आखिरकार शॉन मम्मी से नहीं बच पाया और मम्मी शॉन को लेकर पोर्टल के अंदर चली गई, और मम्मी के यहाँ से जाते ही पोर्टल भी बंद हो जाता है। इधर रॉड ने बुल्ली को मारने की पूरी तैयारी कर ली है। रॉड एक बड़ा सा पत्थर उठाकर बुल्ली की तरफ बढ़ने लगता है, शायद अब रॉड बुल्ली को नहीं छोड़ेगा। रॉड ये पत्थर बुल्ली को मारने ही वाला था लेकिन तभी बाबा बिल्कुल सही टाइम पर आ जाते हैं और बुल्ली को रॉड के हाथों बचा लेते हैं। और फिर बाबा पीछे मुड़कर बुल्ली से पूछते हैं, बुल्ली क्या हुआ, ये रॉड तुम्हारे साथ क्या कर रहा था, अगर मैं नहीं आता तो ये तो तुम्हें मारने वाला था। बुल्ली कहता है बाबा इसमें रॉड की कोई गलती नहीं, रॉड तो उस मम्मी के काबू में है। बाबा कहते हैं बुल्ली कहाँ है वो मम्मी और शॉन कहाँ पर है, बताओ मुझे, मैं अभी उसे ठिकाने लगा देता हूँ। बुल्ली कहता है बाबा आपने आने में बहुत देर कर दी, उस मम्मी ने एक पोर्टल खोला और शॉन को लेकर सीधा पिरामिड चली गई, और पता नहीं शॉन अब जिंदा भी होगा या नहीं। बुल्ली बोला बाबा अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब आप ही कुछ बताइए। बाबा कहते हैं गुल्ली बुल्ली अगर ऐसा है तो हमें ये सारी बात खुद शॉन से ही पता करनी होगी। बुल्ली कहता है बाबा ये आप क्या कह रहे हैं, शॉन को तो मम्मी ले गई है, आखिर ये कैसे मुमकिन है। बाबा कहते हैं बुल्ली अभी तुम्हें नहीं मालूम कि मेरे होते हुए क्या क्या मुमकिन है, चलो रॉड को उठाकर वैन में डालो, हम मेरे घर पर चलेंगे और आगे की बात वहीं पर होगी। बाबा की बात मानते हुए गुल्ली बुल्ली रॉड को वैन में डाल देते हैं और फिर चारों बाबा के घर की तरफ जाने लगते हैं। घर पर पहुंचकर बाबा ने रॉड को एक पिंजरे में बंद कर दिया, क्योंकि अब रॉड अपने आपे से बाहर है, इसीलिए सबकी भलाई इसी में है कि रॉड यहीं पर बंद रहे।
और फिर बाबा गुल्ली बुल्ली से पूछते हैं कि बताओ तुम दोनों में से कौन शॉन से मिलना चाहता है। बुल्ली कहता है बाबा क्या सच में आप ऐसा कर सकते हैं। बाबा कहते हैं हाँ बुल्ली, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड का ही वक्त होगा। इतनी देर में ही तुम्हें शॉन से सारी जानकारी लेनी होगी कि शॉन अभी कहाँ पर है और वो जिंदा भी है या नहीं। गुल्ली ने कहा ठीक है बाबा, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। बाबा कहते हैं ठीक है गुल्ली, अब तुम यहाँ आकर इस घेरे के अंदर बैठ जाओ। बाबा की बात मानकर गुल्ली इस घेरे के अंदर आकर बैठ जाता है। बाबा गुल्ली से कहते हैं गुल्ली ये बात मत भूलना कि तुम्हारे पास केवल 30 सेकंड है, इसीलिए बेकार की बात मत करना और केवल मतलब की बात ही शॉन से पूछना। गुल्ली कहता है बाबा ये तो मैं समझ गया, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि मैं और शॉन मिलेंगे किस जगह पर। बाबा कहते हैं गुल्ली ये तो मैं भी नहीं जानता। और तभी तो दोस्तों अब क्या होगा आगे, क्या गुल्ली बुल्ली और बाबा मिलकर शॉन को बचा पाएंगे और अपना शॉन अभी जिंदा भी है या नहीं, ये सब हम जानेंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए।